नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में और मेरा नाम है मनीष राय। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें लिखा था कि उन्हें जानकारी चाहिए है, उन्हें वीडियो चाहिए ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज मैं लेके आया हूं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, ये कंसेप्ट जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उनका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। मतलब यहां प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन है, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड से एक स्टेप आगे है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि प्राइस कम होता है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। यहां हम लोग देखेंगे कि प्राइस कितने प्रतिशत कम हो रहा है और उसका रिस्पॉन्स क्वांटिटी डिमांडेड कितना दे रहा है। मतलब प्राइस कम होने के बाद क्वांटिटी डिमांडेड अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक। अगर प्राइस कम होने के वजह से हमारा डिमांड उतना नहीं बढ़ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक। तो यहां रिस्पॉन्स देखा जा रहा है प्राइस के वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रपोर्शनेटली कितना। तो यहां पे बोला जाएगा दस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन डिमांड। किसका रिस्पॉन्स देखेंगे हम यहां? चेंज इन डिमांड का, ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ओनली। बाकी सब फैक्टर्स विल रिमेन सेम। अदर फैक्टर्स सच एज इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट, फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट। मतलब बाकी सब चीज सिट्रस पेरिबस है, अदर थिंग्स बीइंग सेम, सिर्फ यहां दो ही कंसेप्ट या दो ही वेरिएबल होंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन प्राइस में क्या चेंजेस है और उसका असर क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना है, ज्यादा है कम है, वो हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। चलिए, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट चेंज हो रहा है क्योंकि प्राइस में भी चेंजेस हैं। तो ये कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है देखते हैं। तो प्राइस जब कम हो रहा है बाय 10% और क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो रहा है बाय 10%, याद रखना प्राइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, प्राइस कम हो रहा है बाय 10% और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है बाय सेम 10%, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहां रिस्पॉन्स आपको देखना है क्वांटिटी डिमांडेड का। अब आप यहां देखिए स्क्रीन पे, प्राइस कम हो रहा है बाय 10% और क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर असर, रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज मच मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू प्राइस। तो प्राइस कम हो रहा है सिर्फ 10% से, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है बाय 20%, इट इज मोर देन 10%, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। और आगे देखें, प्राइस कम हो रहा है बाय जस्ट 10% लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है जस्ट बाय 5%, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट देन प्राइस। प्राइस कम हो रहा है 10% से और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है सिर्फ 5% से, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि डिमांड ने उतना इलास्टिसिटी बताया नहीं। तो यहां ये तीन बेसिक कंसेप्ट से, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पांच टाइप्स है। सबसे पहला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसका फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं ईपी इज इक्वल टू 1। दूसरा है रिलेटिवली इन इलास्टिक, याद रखिएगा ये वर्ड इन इलास्टिक, मतलब जो हमने इसके पहले देखा था कि प्राइस 10% से कम हो रहा है लेकिन डिमांड उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ईपी इज लेस देन 1। तीसरा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक है मतलब यहां डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होगा प्राइस के कंपैरिजन में प्रोपोर्शनेटली, इसके लिए फॉर्मूला है ईपी इज ग्रेटर देन 1। चौथा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब यहां प्राइस तो कम होगा लेकिन डिमांड जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कांस्टेंट था कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसके लिए इसका फॉर्मूला है ईपी इज इक्वल टू 0। और आखिरी है परफेक्टली इनफिनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला है ईपी इज इक्वल टू इनफिनाइट, मतलब प्राइस कम होने के बाद डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हम उनको मेजर नहीं कर सकते। तो ये है पांच
टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या। सबसे पहला है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, EP is equal to 1। अब इसमें होगा क्या, when a change in price of the commodity brings about an exactly equal change in demand of that commodity, then demand is called as unitary elastic demand। मतलब यहां प्राइस जितना चेंज होगा उतना ही डिमांड में भी चेंज होगा। आप देख सकते हैं प्राइस कम हो रहा है by 10% और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है by same 10%। चेंजेस दोनों में सेम है, प्राइस 10% से 10% से कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ रहा है। हमारा जो फॉर्मूला है जो अभी अभी आपने देखा था, EP is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो EP is equal to percentage change in quantity demanded 10% है, तो आपने लिखा 10 upon percentage change in price, तो प्राइस भी 10 है, तो 10 upon 10 comes to 1, तो EP is equal to 1। इसी को हम समझेंगे विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आप डायग्राम देख सकते हो, x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, y एक्सिस पे प्राइस है। अब हमारा प्राइस है OP, ओरिजिनल प्राइस इज OP एंड ओरिजिनल डिमांड इज OQ। प्राइस कम हो रहा है 10% से और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा बाय सेम 10%। यहां प्रॉपर मेजरमेंट, जब आप डायग्राम बनाएंगे आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है कि P से जो P1 बनेगा वो अगर 2 सेंटीमीटर्स है तो Q से Q1 के बीच का गैप भी 2 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो नया प्राइस चेंज हुआ है, P1 एंड Q1 दोनों का गैप, P से P1 का गैप मस्ट बी इक्वल टू Q से Q1 का गैप, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है बाय 10% और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है बाय 10%। तो यहां दोनों पॉइंट्स को मिला के जो हम कर्व बनाएंगे, दैट विल बी अवर डिमांड कर्व। अब ये जो डिमांड कर्व है इसका शेप है, द शेप ऑफ दिस टाइप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो दूसरा पॉइंट है वो हम देखेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, दैट इज EP इज लेस देन 1। मतलब यहां डिमांड का रिस्पॉन्स प्राइस के कंपैरिजन में कम होगा। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम हो रहा है बाय 10% और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है सिर्फ 5% से। मतलब रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज मच लेस, क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स प्राइस के कंपैरिजन में कम है, इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब फॉर्मूला आप सबको मालूम है, EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो आपने एग्जांपल ऊपर देखा उसमें 5% है, मतलब ऊपर 5 आएगा, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज 10। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 कम्स टू हाफ, दैट इज 0.5, एंड 0.5 एज वी ऑल नो इज लेस देन 1, देयरफॉर EP इज लेस देन 1। ये कंसेप्ट हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अगेन आप देख सकते हो x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, y एक्सिस पे प्राइस है, OP हमारा ओरिजिनल प्राइस है और OQ हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। यहां प्राइस कम हो रहा है बाय 10%, दैट इज फ्रॉम OP टू OP1, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है जस्ट बाय 5%। तो यहां आप देख सकते हो गैप बिटवीन P एंड P1 इज मच मोर देन गैप बिटवीन Q एंड Q1। मतलब P से P1 का गैप ज्यादा है, क्योंकि आपने एग्जांपल में देखा था, क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो रहा है बाय 10% और डिमांड जो बढ़ रहा है Q से Q1 वो सिर्फ 5% है। तो आप गैप देख सकते हो डायग्राम में, P से P1 का गैप ज्यादा है, Q से Q1 का गैप कम है। अब जो आपने डिमांड कर्व, ये दोनों पॉइंट्स को मिला के जो डिमांड कर्व बनाया है वो स्टीपर है। तो द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज स्टीपर इन रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये था आपका दूसरा कंसेप्ट। अब हम देखते हैं तीसरे कंसेप्ट पे। थर्ड कंसेप्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज EP इज ग्रेटर देन 1। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा डिमांड में जो चेंज आएगा वो प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मतलब व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, देन इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दैट इज EP इज ग्रेटर देन 1। यहां पे प्राइस से डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर असर ज्यादा है। तो आप देख सकते हो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम हो रहा है बाय 10% लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है बाय 20%। तो यहां रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज मच मोर देन प्राइस।
प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स ज्यादा है। तो आप फॉर्मूला आप सबको मालूम है, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आप ऊपर देख सकते हैं 20% है, जबकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस सिर्फ 10% है। तो ईपी इज इक्वल टू 20 / 10, इट कम्स टू 2, विच इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर वी टर्म्ड इट एज ईपी इज ग्रेटर देन 1। तो यहां एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड है, y एक्सिस पे प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस इज ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज ओक्यू। अब यहां प्राइस कम हो रहा है बाय 10% और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है बाय 20%। तो आप गैप देख सकते हो डायग्राम में, कि डायग्राम में P से P1 का गैप कम है और Q से Q1 का गैप ज्यादा है, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है सिर्फ 10% से, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है बाय मोर देन 10%, मोर देन प्रोपोर्शनेटली, दैट इज 20%। तो जो हमारा डिमांड कर्व बन रहा है वो फ्लैटर है। तो यहां आप देख सकते हैं द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज फ्लैटर। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में शेप हमारे डिमांड कर्व का फ्लैटर होगा। लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ कांसेप्ट। फोर्थ कांसेप्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ईपी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस का कुछ भी चेंज होने दो, डिमांड जैसा था वैसा ही रहेगा। डिमांड के ऊपर प्राइस का कोई असर नहीं है, डिमांड रिमेन्स सेम। तो यहां हम लोग बोलेंगे इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस कम होने के बावजूद हम लोग उसका डिमांड बढ़ाएंगे नहीं। सोचिए ना कि अगर सॉल्ट का, नमक का प्राइस कम हो गया तो क्या हमारी माता जी खाना बनाने के समय ज्यादा नमक डालेगी? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्राइस कम होने के बावजूद ऐसे कमोडिटीज जो होते हैं जिनका डिमांड बढ़ता ही नहीं है, जैसा था उतना ही रहेगा जितना था। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्राइस कम हो रहा है बाय 10%, लेकिन डिमांड बढ़ ही नहीं रहा, डिमांड जैसा था जितना था उतना ही है। तो फॉर्मूला आप सबको मालूम है, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप लिख सकते हो ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10। तो ईपी इज इक्वल टू 0 / 10, आंसर विल बी 0। हेंस ईपी इज इक्वल टू 0। सेम चीज हम लोग डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे है प्राइस। हमारा ओरिजिनल प्राइस है ओपी और ओरिजिनल डिमांड है या ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है ओक्यू। याद रखिएगा यहां प्राइस कम हो रहा है फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, आप देख सकते हैं 10%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम। मतलब ओपी पे भी हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू था और प्राइस कम होने के बावजूद हमारा डिमांड जहां था वही है, दैट इज ओक्यू। तो द शेप ऑफ द डिमांड कर्व यहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में, द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये था फोर्थ कंसेप्ट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। अब हम आखिरी कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईपी इज इक्वल टू इन्फिनाइट इन्फिनिटी। मतलब प्राइस कम होने के बावजूद डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन अ स्लाइट चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो फॉर्मूला जैसे आप सबको मालूम है, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप देख सकते हो प्राइस कम हो रहा है बाय 10%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमको मालूम ही नहीं है कितना ज्यादा बढ़ा है, इट इज इनफिनाइट। तो ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन 10, द आंसर विल बी ईपी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। सेम चीज हम डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं आप क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब आप देख सकते हो प्राइस ओपी था, प्राइस कम हो गया फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, लेकिन हमारा डिमांड पहले जितना था वो भी नहीं मालूम, अब कितना है, खासकर प्राइस कम होने के बाद डिमांड कितना बढ़ गया हम नहीं बता सकते। याद रखिएगा यहां एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इट इज इनफिनाइट। अगर मैं उधर बता दूं कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इतना था और अब इतना हो गया तो वो फिनाइट हो जाएगा। तो यहां पे जो हमारा डिमांड कर्व है, द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो दोस्तों ये था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं या आपको आने वाले टाइम में और कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप हमें लिख सकते हैं nomicseconomics@gmail.com। एट द सेम टाइम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियोस चाहिए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल को, दैट इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस, अगले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।